दोस्तों सेमीकंडक्टर फिजिक्स के इस सेशन में आज हम आपको बताएंगे पीएन जंक्शन डायोड के निर्माण की प्रक्रिया। पीएन जंक्शन डायोड के निर्माण की प्रक्रिया आप लोगों को पढ़नी है, उसके बाद हम आपको बता दें कि ये किस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम बता दें आपको कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जब दोस्तों जोड़ा जाता है तो उसके मध्य की स्पर्श लाइन को पीएन जंक्शन कहते हैं। कुछ इस तरीके से हम आपको समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये पीएन जंक्शन बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है और यहाँ पर हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पर लिया है और जब हम इसको ग्राउंड या ग्रो जंक्शन विधि से इसको जब मिलाते हैं तो ये जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पर दो जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी जंक्शन को हम पीएन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब हम पीएन जंक्शन कहेंगे तो सामान्यतः इसको ही हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को परस्पर चिपका कर रखने से पीएन जंक्शन का निर्माण नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास यदि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर हो, पहला प्रकार का हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर हो और दूसरा प्रकार का सेमीकंडक्टर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, और उस प्रकार यदि हम दोनों को मिला दें, यानी कि आपस में यदि हम इसको चिपका देते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पीएन जंक्शन का डायोड वही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा जो एक डायोड को करना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत है। परस्पर चिपकाने से किसी भी प्रकार के पीएन जंक्शन का निर्माण नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए एक हमको शुद्ध अर्धचालक लेना पड़ता है, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेना पड़ता है, और प्योर सेमीकंडक्टर के आधे भाग में दोस्तों एक ट्राईवेलेंट एलिमेंट और आधे शेष आधे भाग में कुछ पांच संयोजकता वाले तत्व को मिला दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा अर्धचालक जो निर्मित होता है वो जो है पीएन जंक्शन निर्मित होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर लिया है और इस सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया है कि आधे भाग में हमने क्या किया कि तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हमने अशुद्धि मिला दिए, जिसको हम ट्राईवेलेंट कहते हैं। इसके तौर पर हम इंडियम मिला सकते हैं जिसके बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और शेष दूसरे भाग में हम क्या कर रहे हैं कि पेंटावेलेंट एलिमेंट यानी कि पांच संयोजकता वाला एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर हम आर्सेनिक मिला देते हैं। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक हमारा निर्मित होता है, इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर हमारा निर्मित होता है, वो जाकर के हमारा पीएन जंक्शन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर हमारे चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बगल पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है और दूसरी टाइप हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना हुआ है, और ये जो जंक्शन हमारा बन रहा है इसी जंक्शन को हम कहते हैं पीएन जंक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से इस लाइन से आप देख पा रहे हैं पीएन जंक्शन को। आप देखिए यहाँ पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के मेजोरिटी कैरियर होल्स होते हैं। मेजोरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बता चुके हैं। एक बार यहाँ भी बता देते हैं कि जो भी किसी भी सेमीकंडक्टर में जो ज़्यादा संख्या में होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर होते हैं और जो कम संख्या में होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा जो होल्स होता है, ये होल्स हमारा गतिशील होता है, उसके बाद जो और हमारा ग्राही आयन जो होता है वो स्थिर होता है। लेकिन वही एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा ये गतिशील होगा और दाता आयन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जिसे हम होल्स कहते हैं वो हमारे स्थिर रहेंगे। किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा तो हम ये भी बता देते हैं। देख पा रहे हैं कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक अवक्षय परत का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर अवक्षय परत का निर्माण होता है और इसके कारण यहाँ पर एक वोल्टेज भी क्रिएट हो जाता है, जिस वोल्टेज को हम विभव प्राचीर या प्राचीर विभव कहते हैं, ठीक है। और इसी वोल्टेज का जब भी ब्रेकडाउन होता है, जब भी इस वोल्टेज का ब्रेकडाउन होगा तो जाकर के इसके अवक्षय परत की जो लंबाई है वो कम होगी और अंततोगत्व इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि लगभग टूट जाएगी और पीएन जंक्शन में धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम बताते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में एक्चुअल में क्या डायोड होता है। यहाँ पर आप डायोड का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो है डायोड का स्ट्रक्चर है जिसमें पहले भाग को यहाँ पर एक एनोड को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कैथोड को हम हमेशा के से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि वीबी का जो मान है, यानी कि यहाँ पे जो प्राचीर विभव का मान है 0.7 वोल्ट रहेगा यदि आप सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आप वही सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर के जगह पर आप यदि जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं तो आपको केवल 0.3 वोल्ट की ही आवश्यकता होगी।
अब हम आपको बता दें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में उष्मीय ऊर्जा के कारण बंध टूटने से हम जानते हैं कि जब भी थर्मल एजिटेशन होगा तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो यहाँ पर बॉन्ड हमारा बन रहा है तो लगातार बंध टूटने लगते हैं, और जैसे ही कोई एक बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज भी फ्री होता है, नेगेटिव चार्ज भी। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ हमेशा एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फ्री होता है। तो स्वतंत्र जब और हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज और होल्स को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एवं वीवर जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, जो कि या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे। और ये जो थर्मल एजिटेशन के कारण जो हमारे उत्पन्न होंगे चार्जेज, ये होंगे हमारे अल्पसंख्यक वाहक, जिनकी मात्रा आवेश की मात्रा जिनकी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अतः एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर की अपेक्षा वीवरों की संख्या यानी कि होल्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। अतः जंक्शन पर आवेश वाहकों का जो डिफ्यूज़न का क्रिया है, ये जो डिफ्यूजन की क्रिया होती है, ठीक है, जंक्शन पर, जिसके कारण जो है डिफ्यूजन की क्रिया के पश्चात क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वीवर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमारे पी टाइप प्रतिचालक में विसरित हो जाते हैं, और ये डिफ्यूज्ड हुए आवेश वाहक जो होते हैं संधि के पास उपस्थित जितने भी विपरीत आवेशों से संयोग करने वाले हमारे चार्जेज हैं उनसे संयोग करके ये उदासीन हो जाते हैं। संयोग करने वाले चार्जेस कौन कौन से रहेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ संयोग करके उदासीनता को प्राप्त हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ संयोग करके उदासीनता को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसेस जो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड में होता है। बाकी सारा प्रोसेस अभी भी इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हम बताए हैं कि इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे फॉरवर्ड बेस क्या होता है, रिवर्स बेस क्या होता है, लेकिन अभी तक फिलहाल में इतना ही। धन्यवाद।